दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने शानदार कप्तानी का नजारा पेश किया, लेकिन इस बीच उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए एक ऐसी स्टंपिंग कर दी जिसको देखने के बाद तो शायद आप भी ऋषभ पंत के फैन हो जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको दिल जीत लेने वाली इस स्टंपिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में कौन है बेहतरीन विकेट कीपर? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया ये मुकाबला जिसमें टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में नई रणनीति के साथ उतरी थी जिन्होंने चार नहीं बल्कि तीन विदेशी प्लेयर्स अपनी टीम में शामिल किए थे। और सलामी बल्लेबाज, ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत तो इस मुकाबले में अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज दोनों जल्दी आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 43 रनों की पारी खेली, जबकि अंत में शिवरॉन हेटमायर ने 16 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम 154 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत तो इस मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में आवेश खान ने लियाम लिविंगस्टोन को सिर्फ एक रन के स्कोर पर पंत के हाथों कैच आउट करा दिया, और उसके बाद दूसरे ओवर में एंड्रिक नॉर्थकिया की गेंदबाजी करने आए और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया और ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद ऋषभ पंत की कप्तानी के चलते दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में राजस्थान के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर, जो कि रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर कदमों का उपयोग करते हुए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और गेंद उन्हें पूरी तरह से चकमा दे गई और गेंद सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। डेविड मिलर ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन पंत ने धोनी की तरह हवा में तेज स्टंपिंग करते हुए उनकी किल्लियां उड़ा दी। ऋषभ पंत चमत्कारी स्टंपिंग को देखने के बाद तो डेविड मिलर भी पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि पंत ने पलक झपकते ही किल्लियां उड़ा दी थी। ऋषभ पंत के इस चमत्कारी स्टंपिंग को देखने के बाद तो दिल्ली कैपिटल्स का खेमा पूरी तरह से खुश हो चुका था, क्योंकि पंत ने हवा से भी तेज स्टंपिंग करते हुए डेविड मिलर को चारों खाने चित कर दिया। बता दें दोस्तों कि जैसे ही ऋषभ पंत ने यह स्टंपिंग करी, मैदान में मौजूद सभी दर्शकों को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई, क्योंकि धोनी भी अक्सर विकेट के पीछे इसी तरह की कारनामे करने के लिए जाने जाते थे और फैंस भी सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत की इस की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप सभी पंत की इस धोनी की तरह की गई खतरनाक स्टंपिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।